हाय दोस्तों, मैं हूँ विजय वर्मा और मेक एंड क्रिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी फोटो पर एक नया बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपके पास दो फोटोज़ होने चाहिए। एक तो आप जो फ़ोटो ऐड करेंगे वो, और एक जो बैकग्राउंड में रहेगा वो। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन से दो फोटोज़ ले रहा हूँ। दोस्तों एक मैं ये लूँगा, मैं इसे राइट क्लिक और कॉपी, और मैं इसे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक पेस्ट कर देता हूँ। और एक बैकग्राउंड फ़ोटो, दोस्तों मैं ये वाला लूँगा, ये मैं इसे भी राइट क्लिक कॉपी और यहाँ पर मैं राइट क्लिक पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों चलिए हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप इसे नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन करते हैं। यह फोटोशॉप, ये देखिए ओपन कर लिया। हो सकता है आपके पास दूसरा हो। तो दोस्तों उसमें भी अगर सबसे पहले आपका, जैसे मैंने ये काट दिया और ये कुछ इधर है, इधर है, इसे काट दिया। दोस्तों कुछ आपका ऐसे बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप विंडो में जाइए और यहाँ पर वर्क प्लेस, यहाँ पर क्लिक कीजिए और रीसेट, ये रीसेट पैलेटेड लोकेशंस क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये हमारे जो जैसे थे वैसे ही हो गए। और अब चलिए हम अपना फ़ोटो इसमें लाते हैं डेस्कटॉप पे। ये पहले मैं ये ले लेता हूँ विंटर वाला, और एक मैं ये ले लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने एक ये लिया है और एक ये लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में ये इतने सारे चीज़ है और हमें इन्हें डिलीट करना है। सबसे पहले हम इसे तो बड़ा कर लेते हैं, और आप कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा और माइनस बटन करेंगे तो जूम आउट। तो मैं कुछ इतना रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और दोस्तों हमें इस पीछे के बैकग्राउंड को डिलीट करना है, लेकिन उससे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा फ़ोटो है हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लेयर्स में आप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस कीजिए। यह डुप्लीकेट हो गया, एक और लेयर आ गया, और जो हमारा बैकग्राउंड नया वाला था, मतलब जो हमारा ओरिजिनल है, उसे हम हाइड कर दे रहे हैं और इस पर हम काम अपना वर्क करेंगे ताकि ये हमारा न बिगड़े। जूम इन कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस से। और दोस्तों अब हमें इस पीछे के बैकग्राउंड को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैजिक टूल लीजिए, जितना हो रहा है आप उतना कीजिए, या फिर आप ये वाला लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ये ले लीजिए। तो
चॉकलेट। अब दोस्तों हमारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ बचे हुए हैं, जो जो बड़े दिख रहे हैं आप उन्हें तो डिलीट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन जो ये सब हैं उन्हें कैसे डिलीट करते हैं आइए बताता हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और लेज़र टूल। लेज़र टूल की मदद से आप इस तरह ऐसे जहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ऐसे ले जाते रहेंगे तो ये होते रहेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ से इसे शुरू किए हैं यहाँ से वहीं पे आप ऐसे मिला दीजिए तो ये सेलेक्ट हो गया, और डिलीट बटन प्रेस कीजिए। देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ भी, लेकिन अगर आप ऐसे ही यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया है और मैंने टच नहीं किया है, तो जब आप छोड़ देंगे तो भी ये ले लेगा। देखिए ले लिया, और हम डिलीट कर देते हैं इसे भी, डिलीट। इसे भी डिलीट कर देते हैं, इसे भी। यहाँ पर ऐसे हमने डिलीट कर दिया। और अब हमें क्या करना है कि आप फिर से मैजिक टूल लीजिए और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए, और फिर शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट बटन, और यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और अब आप राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट इनवर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट इनवर्स, आप राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो हमारा हमने सेलेक्ट किया था उसका उल्टा सेलेक्ट कर लिया है। छोटा कर देते हैं और कंट्रोल माइनस जूम आउट हो जाते हैं। अब हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसे पकड़ के इधर ला देंगे तो ये यहाँ पर आ गया है, और आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आप इसे डबल साइडेड फ़ोटो भी बना सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा, लेकिन पहले हम इसे छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, कंट्रोल टी, और आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। दोस्तों अब मान लीजिए ये तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस साइड इसका ऐसा ही एक और फोटो रहे, तो पहले हम इंटर प्रेस कर देते हैं, अप्लाई हो जाएगा। और उसी तरह फिर से एक बार और ऐसे कर देते हैं, ऐसे कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, बड़ा कीजिए, और हम इसे यहाँ पर पकड़ के ऐसे कर देंगे तो ये देखिए, देखिए दोस्तों, आपने कहीं पर बोर्ड में या फिर कहीं भी देखा होगा कि डबल साइडेड फ़ोटो होता है दोस्तों, वो कुछ इसी तरह से बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही ये वाला बैकग्राउंड लिया हूँ, आप दूसरा भी ले सकते हैं, और आप फ़ोटो भी दूसरा ले सकते हैं। अब हम इंटर प्रेस करते हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों अब हमारा ये हो गया है, तो अब बात आती है कि इस फ़ोटो को सेव कैसे करेंगे। तो पहले हम इसे बड़ा कर देते हैं ऐसे, और अब आप सर्च कीजिए यहाँ पर विंडोज़ में स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल, ये देखिए ये रहा इसका आइकन, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए हम न्यू पर क्लिक करते हैं, और अब जितना सेलेक्ट करेंगे उतना अलग होकर एक फ़ोटो बन जाएगा। देखिए ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया, ये देखिए हमारा जितना सेलेक्ट हमने किया था ये आ गया है। फिर आप ये जो विंडो खुला है
उसके ऊपर यहाँ पर सेव स्निप, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसे सेव करने के लिए, और लिख दीजिए डबल साइडेड फोटो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिखा हूँ, डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ आपको पता चले। ये देखिए डबल साइडेड फोटो, डबल क्लिक कीजिए, और ये देखिए अब हमारा डबल साइडेड फोटो तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप एक ही फ़ोटो रखना चाहते हैं तो जो आपका ओरिजिनल फ़ोटो है उसे खींच के बीच में ला दीजिए, या फिर जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख दीजिए। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप इसी तरह डबल साइडेड फ़ोटो या फिर किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में।